अगर चीन ने जरा भी हरकत की तो उसका अंजाम क्या होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। है जो जमीन से हवा में अचूक मार कर सकता है, जी नाज़रीन, आपने भारत की उल्टी सीधी बातें तो सुनी होगी, लेकिन भारतीय मीडिया की नाअहली का और एक और कारनामा सामने आ गया कि हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों में पाकिस्तानी मिसाइल दिखाकर अपनी ही आवाम को बेवकूफ बना दिया गया। जी नाज़रीन, मैं हूं आसिम सुल्तान भट्टी और आप देख रहे हैं रिमशा टीवी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो नाज़रीन, वीडियो की जानिब वापस आते हैं कि भारतीय मीडिया की नाअहली का एक और कारनामा, हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों में पाकिस्तानी मिसाइल दिखाकर भारतीय आवाम को उल्लू बनाने लगे। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान जारी तनाव की सूरत हाल पर भारतीय फौज कुछ करने के अहल नहीं, इसलिए अब भारतीय मीडिया ने खुद ही जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। एक तरफ तो भारतीय मीडिया पर चीन के खिलाफ दिल खोलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग को भी कोरोना चिंग तक कहा जा रहा है और चीन के नाम के साथ पापी जैसे घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे इन लोगों ने मीडिया पर ही जंग लड़नी हो। अब लद्दाख की वादी गलवान में चीन के हाथों इज्जत लुटवाने और दुनिया के सामने भारतीय फौज की रुसवाई के बाद भारतीय मीडिया ने इस लड़ाई में हिस्सा ले लिया है और नाकाम भारतीय हुकूमत और नाकाम भारतीय फौज के आलाकार बनने की ठान ली है। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज LEC पर जंगी मशकें कर रही है, जिससे परेशान होकर चीन इजलास पर इजलास बुला रहा है, जबकि हकीकत तो ये है कि वादे गुलवान में चीन भारतीय फौजियों को मार मार कर उनका सत्यानाश कर दिया है और इसी तशद्द से 20 फौजी भारतीय हलाक भी हो गए हैं। भारतीय मीडिया हाउस रिपब्लिक TV नेटवर्क के मुताबिक चीन अपनी फौज को किसी एक जगह इकट्ठा नहीं होने दे रहा, क्योंकि डर रहा है अगर चीनी फौज किसी एक मकाम पर इकट्ठी हुई तो कहीं भारत हमला ही ना कर दे। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के इस वहम पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है, क्योंकि चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज को जिस हजामत का सामना करना पड़ा है वो दुनिया के सामने है। चीनी फौज ने पेंगोंग झील पर मौजूद 8 चोटियों में से 4 पर कब्जा कर लिया और जिस पर चीनी फौज का दावा है कि ये चारों चोटियों के अलावा चीन के हिस्से में आती हैं। दूसरी जानब भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बताया है कि भारत लद्दाख के इलाके में जंगी मशकें कर रहा है और इन जंगी मशकों से घबरा कर चीन इजलास पर इजलास बुला रहा है और चीनी सदर परेशान है कि आखिर उन्होंने लद्दाख में घुस कर कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। इस भारतीय फेक प्रोपेगेंडे और वारफेयर में भारतीय चैनल इंडिया टुडे ने भोली भाली भारतीय आवाम को पागल बनाने के लिए जंगी मशकों के हवाले देकर मिसाइल हमले दिखाए गए, जिनमें मिसाइल अपने मुकर्रर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि मिसाइल पाकिस्तानी नसर है जो कि जमीन से जमीन तक 60 किलोमीटर तक का अपने हदफ को जोहरी ताकत के साथ कामयाबी से निशाना बना सकता है। नाज़रीन, इस क्लिप में इंडिया टुडे दावा करता है कि अगर चीन ने भारत से टक्कर ली तो उसका अंजाम क्या होगा। मिसाइल की इस फुटेज से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जब इस वीडियो क्लिप में जो मिसाइल दिखाया गया है वो पाकिस्तान का नसर मिसाइल है जो अपने हदफ की कामयाबी के साथ धज्जियां उड़ाने की सलाहियत रखता है। अब भारतीय मीडिया इस बेवकूफी के बाद पाकिस्तान में भी इस हरकत का खूब मजाक बनाया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान के मारूफ सहाफी मखदूम शहाबुद्दीन कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी मिसाइल नसर को दिखाकर भारतीय मीडिया चीन और पाकिस्तान दोनों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मौसूल हो। शुक्रिया।